बिशप कॉटन स्कूल में आज सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। बाहर रखे गमलों को तोड़ने के अलावा अज्ञात लोग क्लासरूम में भी घुसे और वहां शराब की बोतलें फोड़ी। अब यह हमला किस कारण को लेकर किया गया, इसकी ठोस जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्कूल फीस को लेकर ही कुछ लोगों ने यह हंगामा किया है। अगर असामाजिक तत्वों ने यह हमला किया होगा तो यह बेहद गंभीर बात है। सीताबर्डी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस स्कूल में लगी सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। इसके बारे में स्कूल प्रशासन के अधिकारी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। सीताबर्डी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सबनीस ने युगधर्म को बताया कि शराब के नशे में आसपास के लोगों ने यह करतूत की है। पुलिस की जांच जारी है और दोषियों को गिरफ्त में लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।